वहीं यार विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सिद्धा पहाड़ को सुरक्षित करने और लोक सुनवाई निरस्त करने के लिए पत्र लिखा है। सिद्धा पहाड़ में उत्खनन की अनुमति देने वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस हमलावर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि अपने व्यवसायिक हितों के लिए भगवान राम का इस्तेमाल करती आई है भाजपा। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए और पवित्र पर्वत सिद्धा पहाड़ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रम की स्थिति फैला रही है, हमारी सब धर्मों में आस्था है, मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। मैं भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करूंगा, किसी भी आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की आपत्ति नहीं है, भ्रम पैदा करने की उनकी बात है। शिव के तो वैसे भी आराध्य राम होते हैं, सिद्धा पहाड़ कैसे होते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय है, उन्होंने वो बातचीत भी कर रहे हैं, मैं भी उनसे बातचीत करूंगा और किसी की भी आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी।